नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का naukrikhabar.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की वजह से आई हुई रेलवे के अंदर अर्जेंट भर्ती 2020 के बारे में, जहां पर भर्तियों का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा जो कि COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस की वजह से जारी किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग यहां पे देख पाएंगे साउथर्न रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। 6/8/2020 यानी कि 6 अगस्त के दिन COVID-19 की वजह से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया। सबसे बड़ी बात इस भर्ती की कि आपका कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होने वाला, केवल और केवल ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होगा। और सबसे मेन बात की आपको जो आवेदन है वो जीमेल के माध्यम से करना होगा, यानी कि आप लोग घर बैठे बिल्कुल फ्री में जीमेल अकाउंट के माध्यम से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप लोग केवल 10वीं पास है तो आप लोग हाउसकीपिंग असिस्टेंट और हॉस्पिटल अटेंडेंट जैसी पोस्टों के लिए आवेदन कर पाएंगे, जहां पर आपको स्टार्टिंग में 18,000 रुपए वेतन मिलने वाला है। साथ में यहां पे और भी बहुत सारी पोस्टें हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं, अगर आप लोग 12वीं पास हैं, 10th+2 पास हैं, और अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं पास हैं तो भी आप लोग इन सभी भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। काफी बड़ा नोटिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर केवल और केवल इंटरव्यू है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं इंटरव्यू के बेस पे आप सभी का सिलेक्शन होगा, और जो आपका अप्लाई होगा वो जीमेल के माध्यम से होगा। आपको इस फॉर्म को एप्लीकेशन फॉर्मेट को फिल करके जीमेल अकाउंट के अंदर सेंड करना होगा। कैसे सेंड करना होगा आगे हम बात करेंगे, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सके। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखते रहेगा। अगर आपका सचमुच सपना है साल 2020 के अंदर रेलवे के अंदर जॉब करने का, तो आप सभी लोग यहां पे 14/8/2020 यानी कि 14 अगस्त तक आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर। दोस्तों, रेलवे की तरफ से सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन मैंने आप सभी को दिखा दिया है, वो भी बिना किसी परीक्षा के आपकी भर्ती होने वाली है। केवल और केवल आपका डायरेक्ट ही ऑनलाइन इंटरव्यू होना है। मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इन सभी भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री होगा, जीमेल के माध्यम से आवेदन करना होगा। अगर आप लोग केवल 10वीं पास है तो आप लोग 14 अगस्त 2020 तक आवेदन कर पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही वीडियोस की अपडेट आगे भी देखने के लिए नौकरी खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर, जहां पर आपको कौन सी जीमेल आईडी पे अप्लाई करके सेंड करना है, बाकी सारी डिटेल वहीं पे आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आपको इस भर्ती में आवेदन करने के लिए गूगल पे जाके www.mponline.co.in या फिर mponline.co.in टाइप करना होगा, आपको ये पेज मिल जाएगा। इसका अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, तो आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। साउथर्न रेलवे रिक्रूटमेंट है 2020 के लिए, जहां पे 201 यानी कि 201 पोस्ट पर यहां पे वैकेंसी आ चुकी है। पैरामेडिकल के अंदर आपको नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट सॉरी असिस्टेंट और रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, हाउसकीपिंग असिस्टेंट की पोस्टें मिलेंगी, और डॉक्टर की पोस्ट के अंदर GDMO और स्पेशलिस्ट की पोस्टें मिलेंगी। जहां पर आपको अप्लाई करने के लिए www.mponline.co.in गूगल पे सर्च करना होगा। अभी आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आपको naukrikhabar.com का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से भी आप लोग सारी जानकारी चेकआउट कर पाएंगे। इसके बाद यहां पे आने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, जैसे कि यहां पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा mponline.co.in पे जाके, और यहां पे पैरामेडिकल और डॉक्टर की पोस्टें आप सभी के लिए रखा गया है। अप्लाई ऑलरेडी स्टार्टेड है, जो कि 14 अगस्त 2020 तक चलेगा, और अप्लाई आपको ऑनलाइन बाई जीमेल करना होगा। अक्रॉस इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट डिग्री है तो अप्लाई कर पाएंगे। चलिए हम लोग लाइन से देख लेते हैं कौन सी पोस्ट के लिए कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट रखा गया है। तो यहाँ पे पहली नंबर जो आपकी CMP डॉक्टर की पोस्ट है, यहाँ पर MBBS डिग्री और IMC रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे फार्मासिस्ट के अंदर 10th+2 यानी कि 12वीं पास आपका, और साथ में यहाँ पे बी फार्मा भी चाहिए होगा। इसके बाद यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका जो है तो ग्रेजुएशन यानी कि BSc नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए 3 ईयर का। उसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए 10th पास होना चाहिए, और साथ में यहाँ पे एक्सपीरियंस ICU और डायलिसिस के अंदर होना चाहिए। सफाई वाला के लिए केवल और केवल 10th पास यानी कि 10वीं पास, लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के अंदर 12वीं पास विद DMLT के अंदर, और रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए 12वीं पास होना चाहिए, और यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी के अंदर कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं एज के बारे में, तो एज भी यहाँ पे बहुत तरीकों की है, जैसे कि CMP डॉक्टर के लिए 53 ईयर, नर्सिंग स्टाफ के लिए 20 से 40 यानी कि 20 से 40 साल, हॉस्पिटल अटेंडेंट सफाई वाला के लिए 18 से लेकर 30 साल, और लैब असिस्टेंट रेडियोग्राफर और फार्मासिस्ट के लिए 18 से लेकर 33, और साथ में यहाँ पे जो आपका एज में रिलैक्सेशन है वो साउथ रेलवे रिक्रूटमेंट के हिसाब से मिलने वाला है। इसके बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो इंटरव्यू के माध्यम से होगा, वो भी आपका ऑनलाइन वे से होगा। साथ में यहाँ पे टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे, जिसमें से SSB की तरफ से 1522 पोस्ट पर यहां पे रिक्रूटमेंट आ चुकी है, और CRPF के अंदर 789 पोस्ट पर आ चुका है, और बिहार रेजिमेंटल सेंट्रल भर्ती आ चुकी है। तो आप लोग इन सभी भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग साउथर्न रेलवे पे यानी कि यहां पे स्लिप के बारे में। तो आप लोग यहां पे देख पाएंगे CMP डॉक्टर के अंदर यहां पे 75,000, नर्सिंग स्टाफ के अंदर आपको
44,900, हॉस्पिटल अटेंडेंट सफाई वाला के लिए 18,000, फार्मासिस्ट के लिए 29,200 और लैब असिस्टेंट के लिए 21,700 रुपए का पेमेंट रखा गया है। आपका जो आवेदन है, एप्लीकेशन फीस वो बिल्कुल फ्री है। उसके बाद यहाँ पे आपका जीमेल आईडी मैंने प्रोवाइड करा दिया है, किस जीमेल आईडी पे आपको अप्लाई करना है, सेंड करना है अपना जो फॉर्म है, और साथ में नीचे मैंने आप सभी के लिए फॉर्म भी दे दिया इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन पे। जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पे जो है तो नोटिफिकेशन को एक बार क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे एक डाउनलोड की बटन आएगी, जिस पे क्लिक करते ही आपका जो नोटिफिकेशन और डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है, आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे 14/8/2020 तक आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी और मंथली आपका कितना पेमेंट मिलेगा उसके बारे में डिटेल में जानकारी है। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, आप लोग इनको एक बार चेकआउट भी कर सकते हैं। अब हम सीधा चलते हैं अपने आज के फॉर्म की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट है, सबसे पहले आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है तो लगानी होगी, सेल्फ अटेस्टेड यानी कि हाफ जो सिग्नेचर होगा वो बाहर होगा फॉर्म के अंदर और हाफ सिग्नेचर आपका फोटोग्राफ के अंदर होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका नेम ब्लॉक लेटर में लिखना है, पापा या फिर हस्बैंड का नाम, उसके बाद पोस्टल एड्रेस विद फोन नंबर और यहाँ पे आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी और कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एग्जामिनेशन किस साल में पास किया है, कौन सी कॉलेज से, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं और कितना आपने परसेंटेज बनाया हुआ है, सारी जानकारी डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, मेडिकल काउंसलिंग स्टाफ से डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के डिक्लेरेशन पे यहाँ पे अपना खुद का सिग्नेचर, प्लेस और डेट फिल करके आपको दिए गए एड्रेस पे जीमेल आईडी पे सेंड करना है। अब बात यह आती कि आप लोग इसको कैसे फिल करेंगे, तो सिंपल सा है, आपको इस एप्लीकेशन को किसी भी कंप्यूटर सेंटर से निकलवा लेना, उसके बाद खुद से यहाँ पे जो है तो फिल करना है, ऐसे बाहर से लिखना है और एक अच्छी सी कैम स्कैनर के एप्लीकेशन से एक अच्छी सी फोटोग्राफ खींचनी है, जो कि यहाँ पे कैम स्कैनर से ही यूज किया गया, आप लोग देख पाएंगे। कैम स्कैनर से इसकी फोटोग्राफ लेनी है और दिए गए जीमेल आईडी पे सेंड कर देना है। ईमेल आईडी आपको mponline.co.in की वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग गूगल पे जाके केबल और केबल ये सर्च करिएगा, mponline.co.in, आपको सारी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।